अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की जो हमारी रेसिपी है जी वो है चीज़। तो जी होममेड चीज़ बना रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त बनी थी। प्लीज़ व्यूअर्स, आप लोग देख के ज़रूर ट्राई किया करें, ये आपका प्यार और मोहब्बत है। तो जी चलें शुरू करते हैं। जी हमने सबसे पहले लेना है 1 लीटर मिल्क। मिल्क आपने मतलब दूध को उबालना नहीं है, हल्का सा नीम गर्म रखना है। नीम गरम करके आपने फ्लेम बंद कर देनी है जी। उसके अंदर हमने आधा कप सिरका यानी विनीगर ऐड करना है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके, और आपने चम्मच को बहुत तेज़ी से नहीं हिलाना, बिल्कुल स्लोली स्लोली आपने हिलाना है। ये देखें जी जिस तरह से मैं हिला रही हूँ, आपने भी सेम यही प्रोसीजर करना है, आहिस्ता आहिस्ता आपने दूध को हिलाना है। तो व्यूअर्स आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है, बाज़ार की तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है और ये घर में बहुत रीज़नेबल प्राइस में हमारी बन जाती है। क्योंकि अगर आप 1 kg मिल्क भी लें, लीटर लें, तो तकरीबन 80 रुपये या फिर इसी अराउंड में मिलता है लीटर दूध। तो आप लोगों ने ज़रूर घर में ये ट्राई करनी है। चलें जी देखें, माशाल्लाह हमारी देखें जी, ये देखें कितनी ज़बरदस्त चीज़ी अभी से लग रही है चीज़। तो जी हमने साइड पे अलग से बॉल रख लिया था, उसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। और ये इसलिए ऐड किया है कि तो जो हमारी चीज़ के अंदर खटास है सिरके की वो ख़त्म हो जाएगी इससे। तो ये आपने जितना दूध रखा था नीम गर्म, उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी को रखना है और फ्लेम बंद कर देनी है, और इसे 2 से 3 मिनट आपने बस ऐसे हल्का हल्का सा घुमाना है। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें जी हमारी चीज़ बिल्कुल तैयार है। इसमें कोई मेहनत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस जी आपकी चीज़ तैयार है। आपने इसको अच्छी तरह से इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल के इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है, और फिर जी आप इसको यूज़ करें पराठों में, ब्रेड में, जैसे भी करनी है। तो मैंने अभी आपको दिखाती हूँ जी, ये मैंने चीज़ कद्दूकस कर ली है, तो मैं इसको ब्रेड में रख के इसको सेक के आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह कितनी अच्छी चीज़ बनी थी, देखें जी माशाल्लाह। और ये बहुत गर्म थी, मेरा तो हाथ जल रहा था, लेकिन ये देखें जी ये माशाल्लाह कितनी अच्छी चीज़ बनी है। तो आपने व्यूअर ज़रूर ट्राई करनी है। ये देखें जी, अगर आपके बच्चों को ब्रेड में पसंद है तो आप चीज़ के ऊपर हल्का सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर करके स्प्रिंकल बच्चों को दें, और बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे ये चीज़, और ये बहुत टेस्टी भी बनी थी। चलें जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।